गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट लॉजिक। और आज मैं आपसे एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। आई एम श्योर आप में से 80% लोग नहीं जानते होंगे इसके बारे में, और जानते भी होंगे, आई एम नॉट श्योर, बट आई एम जस्ट गेस कर रही हूँ मैं कि कितने लोग नहीं जानते होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि त्रिफला को एज ए स्किन केयर के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने स्किन को फ्लॉलेस, क्लीन और ब्यूटीफुल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ त्रिफला पाउडर। मैं यहाँ पतंजलि करते हुए त्रिफला पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और आप कोई सा भी त्रिफला पाउडर यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। और मेक श्योर आप उसके इंग्रेडिएंट्स जरूर एक बार चेक कर लें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिपेशन दूर करता है पहली चीज़। सो गाइस, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अपने फेस पे त्रिफला को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पतंजलि का यूज़ कर रही हूँ, दिव्य त्रिफला चूर्ण। और पहले कोई भी फेस मास्क अप्लाई करने के पहले बहुत ज़रूरत है फेस को वॉश करें, तो मैं यहाँ हिमालय का हर्बल मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन। और आपके स्किन पे ये ग्लो देता है क्योंकि ये हर्बल है, एलोवेरा है इसमें, ये इस तरीके से दिखता है। तो मैंने इसका रिव्यू भी शेयर किया हुआ है आप सबके साथ, आप श्योरली चेक करिएगा मेरे चैनल पर। DIY फेस वॉश, और उसी DIY फेस वॉश में मैंने इस फेस वॉश का भी जिक्र किया हुआ है। मैंने DIY हर्बल फेस वॉश भी बताया है, और साथ ही साथ इसको भी, इसके भी बारे में बताया है, क्योंकि मैं इसे यूज़ करती हूँ और मुझे ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है। मतलब मैं इसको स्विच ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं किसी दूसरे फेस वॉश को यूज़ करूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी स्किन को ड्राई होने से ये बचाता है, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो मुझे बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज देता है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस, स्पेशली समर्स में तो मैं इसे ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये कूलिंग इफेक्ट देता है, और विंटर्स में भी मेरी स्किन को ड्राई होने से बचाता है। दैट्स वाई आई एम यूजिंग फॉर लास्ट 2 और 2.5 ईयर्स। तो इस तरीके से मैं हल्का सा मसाज देती हूँ अपने फेस को इस फेस वॉश से। तो चलिए मैं फेस को क्लीन करके आती हूँ। सो गाइस, मैंने स्किन को क्लीन कर लिया है, और मेरी स्किन पर कुछ भी नहीं इस समय, कोई मेकअप नहीं है, मैंने अच्छे से फेस वॉश कर लिया है। और मैंने हनी ले लिया है, मैं आपको शो करना चाहती हूँ। मैंने ये हाफ टी स्पून, या इट्स टी स्पून, तो इतना सा लिया है मैंने। और ये मैंने पतंजलि का ही हनी लिया है, जो कि थोड़ा सा थिक लग रहा है। आपके पास और अच्छी हनी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। एक जो नेचुरल आता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, हालांकि ये भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पतंजलि के प्रोडक्ट्स मुझे पसंद है, बट मेरे 5 फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने शेयर किया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत लिटिल अमाउंट में लेना है आपको त्रिफला, कि आपकी पूरे स्किन में लग जाए और हनी में ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। सॉरी, मैं आपको शो कर देती हूँ। सो गाइस, मैंने एक चम्मच हनी में एक चम्मच त्रिफला पाउडर अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसको अपने फेस को क्लीन करके, अच्छे से वाइप आउट करके, अब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। तो चलिए आइए देखते हैं। तो मैं इसको अपने हैंड से ही जो है अप्लाई करूंगी। ये आपके स्किन को यंग बनाएगा, ग्लोई बनाएगा, साथ ही आपको रिंकल्स से बचाएगा। जो भी DIY बनाती हूँ उसको मैं लिप्स पे भी अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि मैं लिप्स
हम उतना केयर नहीं कर पाते अपने लिप्स को, और वो मोस्टली जो है सन में थोड़े से या ब्लैक टी ब्लैक कॉफ़ी गरम गरम पीने से भी हमारे जो है लिप्स वगैरह थोड़े से फेड हो जाते हैं अपने एक्चुअल कलर से, तो इसलिए मैं लगा लेती हूँ। देखिए मैंने कितना ज़रा सा लिया था और ये ऑल ओवर माय फेस अच्छे से हो गया है, तो आपको बस ज़रा सा ही लिटिल क्वांटिटी लेनी है और इस तरीके से आपको हल्का सा सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसको अप्लाई कर लेना है। अब हम 10-15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छूक देंगे, और फेस पैक लगाने के बाद बोला नहीं जाता है इसलिए मैं शांत रहूँगी। ओके तो मिलती हूँ आपसे 10-15 मिनट के बाद। सो गाइस मेरे फेस को वॉश कर लिया है, सो ये बहुत अच्छे से फेस को क्लीन कर देता है, आप देख सकते हैं। सो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप यू ऑल एंजॉयिंग इट। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू अ थम्स अप, एंड अगर मेरे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।